गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया। इधर 4 दिन से लाइट डिस्टर्ब थी, आज जो है सप्लाई बरकरार हुई है, फिर से हम लोग जुड़ जाते हैं। टेस्ट पेपर आप लोगों के पास पहुंच रहे होंगे और कल के सेशन में उसका डिस्कशन होगा। शेक्सपियर वर्ड्सवर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट पोयम की चर्चा कर ली जाए तो पहला है स्कॉर नॉट द सनेट। ये तो आपको पता ही होगा कि अ सनेट हैज नो टाइटल, द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ ए सनेट बिकम्स इट्स टाइटल। सो वर्ड्सवर्थ कंपोज द सनेट स्कॉर नॉट द सनेट, दिस वॉज द बिगिनिंग लाइन ऑफ हिज सनेट। द सनेट वॉज पब्लिश्ड इन 1827 when Wordsworth was staying at Ridal Mount with his sister Dorothy. 1827 में इसका प्रकाशन हुआ था, जब रिडाल माउंट में अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ प्रवास कर रहा था वर्ड्सवर्थ। द सनेट वॉज कंपोज्ड ऑन पेट्रार्कन मॉडल। सनेट की रचना पेट्रार्क के स्टाइल पर हुई है और पेट्रार्कन मॉडल में तो आप जानते हैं कि ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवीजन होता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है इटालियन सनेट की कि ऑक्टेव में इनएविटेबली देयर इज ए प्रॉब्लम विच इज रेस्ड इन ऑक्टेव एंड इन सेस्टेट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम रेस्ड इन ऑक्टेव इज प्रेजेंटेड। Hosts of sonnets were composed during Elizabethan period. Every major and minor poets composed a sonnet. But after Elizabethan period, almost the composition of sonnet was over. And various critics criticized sonnet writing and sonneteers. और इसी संबंध में वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि क्रिटिक शुड नॉट स्कॉर्न द सनेट। आलोचकों को ये नहीं चाहिए कि सनेट से घृणा करें, बिकॉज विद दिस की सनेट अनलॉक्ड हिज हार्ट। सनेट एक ऐसा माध्यम था जो शेक्सपियर के अपने व्यक्तिगत जीवन के उद्घाटन का साधन बना था। और ये ध्यान रखिएगा कि तो मैं ही कह रहा था कि अगर इंडिविजुअल शेक्सपियर की बात की जाए तो शेक्सपियर अपने प्लेस में कहीं पर भी दिखता नहीं है। इफ यू वांट टू ट्रेस शेक्सपियर एज ए पर्सन, ही कैन ओनली बी फाउंड इन हिज सनेट्स। क्योंकि शेक्सपियर तो अपने नाटकों में नेगेटिव कैपेबिलिटी का अपने आप को पूरी तरह से विलीन कर देता है। द कैरेक्टर विच ही डिलिनिएट्स, जिस भी पात्र की रचना करता है शेक्सपियर अपने आप को उसमें विलीन कर देता है। इसीलिए अगर शेक्सपियर को आप एक व्यक्ति के रूप में रूपना चाहें तो वो अपने नाटकों में नहीं मिलता है, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में शेक्सपियर अपने सनेट्स में, जो 154 सनेट हैं, उसमें एक तरह से अपने आप को व्यक्त किया है। यही कारण है कि वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि स्कॉर नॉट द सनेट क्रिटिक्स, आलोचकों कभी भी सनेट की आलोचना मत कीजिए, क्योंकि ये वो माध्यम है, ये वो की है जिसके माध्यम से शेक्सपियर रूपी अनलॉक ताले को, लॉक को अनलॉक किया जा सकता है। दूसरा है द मेलोडी ऑफ दिस स्मॉल ल्यूट। वर्ड्सवर्थ शेक्सपियर के सनेट को स्मॉल ल्यूट कहते हैं, छोटी बांसुरी कहते हैं। गेव ईज टू पेट्रार्क्स वुंड्स। पेट्रार्क्स वुंड्स का मतलब पेट्रार्क की चोट है। और ये चोट क्या, आपको मालूम है हिस्ट्री ऑफ सनेट में मैंने बताया था कि पेट्रार्क का प्रेम लौरा नाम की लड़की से हुआ था
और प्रेम में टूट जाने के पश्चात उसने 314 सनेट की जो है रचना की थी पेट्रार्क के प्रेम में। तो शेक्सपियर के जो सनेट हैं वो एक तरह से ल्यूट का बांसुरी का भी काम करते हैं, जो पेट्रार्क के घायल आत्मा के ऊपर एक मरहम का काम करते हैं। 1000 times दिस पाइप डिड तासो साउंड। तासो इटालियन भाषा का एक महाकाव्यकार था और सनेट के माध्यम से ही तासो ने ज्यादातर अपने काव्य की रचना की थी। तो ये दोनों कोटेशन आप नोट करें, फिर अगले सनेट की चर्चा करते हैं। नोट हो गया हो तो बता दीजिएगा। ओके दूसरा सनेट है वर्ड्सवर्थ का लंदन 1802। इसका एक पैरेलल टाइटल है टू मिल्टन। लंदन 1802 और मिल्टन, इट वॉज ऑल्सो पेट्रार्कन सनेट। इट इज ऑल्सो ऑफ पेट्रार्कन सनेट। बट अनलाइक पेट्रार्कन सनेट, बट अनलाइक पेट्रार्कन सनेट, वर्ड्सवर्थ डिड नॉट डिवाइड इट। Into octave and sestet. जैसा कि पेट्रार्क अपने सनेट को ऑक्टेव और सेस्टेट में तोड़ता है, लेकिन लंदन 1802 में वर्ड्सवर्थ में ऑक्टेव और सेस्टेट का प्रयोग नहीं किया। दैट इज He did not raise a problem in sestet octave in problem in octave and solution in sestet. नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखिएगा, द सनेट इज एड्रेस टू मिल्टन। द सनेट इज एड्रेस्ड टू मिल्टन। मिल्टन को संबोधित किया गया है ये सनेट। It was written in September 1802.
in September 1802, 1802 के सितंबर महीने में इसकी रचना हुई थी, बट इट वॉज बट पब्लिश इन लेकिन इसका प्रकाशन 1807 में हुआ था। वर्ड्सवर्थ इनवोक्स मिल्टन टू कम टू इंग्लैंड वंस मोर मिल्टन को आह्वान करते हुए वर्ड्सवर्थ ये कहता है कि एक बार फिर मिल्टन को इंग्लैंड में वापस जन्म लेना चाहिए, बिकॉज इंग्लैंड इज परवेडेड England is pervaded with moral degradation. आज जो इंग्लैंड में नैतिक पतन की स्थिति हो चुकी है, ऐसे में नैतिक उत्थान के लिए शेक्सपियर को एक बार फिर से जन्म लेना चाहिए। नोट कर लें तो फिर इंपॉर्टेंट लाइन्स इसके लिए जाए। ये डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन पतन गिरावट परवेडेड व्याप्त मिटा रहे हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स लिख रहे हैं। Important lines. Milton, thou shouldest be living at this hour.
Milton, thou shouldest be living at this hour. England hath need of thee. England hath need of thee, she is a femme. Of stagnant water. She is a fan of stagnant waters, altar, sword and pen, and fireside. Altar, sword, pen, and fireside. Altar, sword, pen, and fireside, the heroic wealth of all. The heroic wealth of all and power. Hath forfeited their ancient tower. क्या हिंदी में मतलब बताना भी होगा? मिल्टन को आवाहन करते हुए वर्ड्सवर्थ ये कहता है कि मिल्टन, इस वक्त इंग्लैंड में तुम्हें अवश्य जिंदा रहना चाहिए. बिकॉज इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, क्योंकि इस वक्त इंग्लैंड को मिल्टन की अत्यंत आवश्यकता है. She is a fan of stagnant water. Stagnant water कहते हैं ठहरे हुए पानी को, क्योंकि आज इंग्लैंड की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि मानो किसी ठहरे हुए पानी का डबरा बन चुका है, जिससे केवल सलाद और दुर्गंध उठ रही है. जैसे कि altar, altar कहते हैं वेदी को, यानी कि पूजा को. शोर, जो वीरता की कहानियां पहले इंग्लैंड में कही जाती थी. पेन स्टैंड्स फॉर स्कॉलर्स. आज विद्वता की स्थिति इंग्लैंड में गिरावट को प्राप्त हो चुकी है. जो पहले इंग्लैंड अपनी विद्वता के लिए जो है जाना जाता था, आज उसमें गिरावट है. और नैतिक जीवन में भी पतन हो चुका है. फायर साइड, जिसको डोमेस्टिक लाइफ कहते हैं, पारिवारिक जीवन में भी काफ़ी गिरावट की स्थिति है. द हीरोइक वेल्थ ऑफ हाल एंड बाउल, कभी राजदरबारों में वीर लोगों की चर्चाएं हुआ करती थी. आम कुंजों में, बाउल कहते हैं लता कुंज को, लता कुंजों में कभी प्रेम और स्वस्थ प्रेम की चर्चाएं हुआ करती थी. हैथ फॉरफीटेड, आज वो नष्ट हो चुके हैं. देयर एंशियंट पावर, इंग्लैंड अपने प्राचीन गौरव गाथा को पूरी तरह से खो चुका है. ऐसे स्थिति में इंग्लैंड को मिल्टन की अत्यंत आवश्यकता है. नेक्स्ट है मिटाएं.
अगली लाइन है एंड गिव अस मैनर्स वर्च्यू एंड गिव अस मैनर्स वर्च्यू फ्रीडम एंड पावर. Give us manners, virtue, freedom, and power. Thy soul was like a star that dwelt apart. Thy soul was like a star that dwelt apart. You hadest a voice whose sound like sea. Thou hadest ये वॉइस होना चाहिए. हुज साउंड लाइक सी Power as naked heavens, majestic and free. नोट कर ले फिर तीसरी पोयम की चर्चा हो. नोट कर लिया हो तो फिर आगे देखा जाए. कितने लोग जुड़े हैं बेटा? बारह में बारह जुड़ गए हैं. ठीक है, बस जो पेज किया है बस उन्हीं को जोड़ो. हेलो. अच्छा, ठीक. मेडल शिष्टाचार आज इंग्लैंड क्योंकि रेस्टोरेशन पीरियड के बाद नैतिक पतन हो चुका था पूरे इंग्लैंड में. लोग शिष्टाचार से भरे हुए आचरण को भूल चुके थे. तो वर्ड्सवर्थ ये कहता है कि मिल्टन एक बार फिर इंग्लैंड में तुम्हें वापस आकर के लोगों को शिष्टाचार की बातें समझाना चाहिए. वर्चू सद्गुण भरा जीवन जीना चाहिए. आजादी की बातें होनी चाहिए और लोगों में जो नैतिक पतन नैतिक साहस का अभाव हो चुका है
एक बार फिर उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए। Thy soul was like a star that dwelt apart, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उस सितारे जैसे थी जो पूरे आसमान में माना के असंख्य सितारे हैं, लेकिन उसमें से ध्रुव तारा ही एक ऐसा है जो अपनी तेज आभा बिखेरता रहता है, सबसे अलग थलग दिखाई देता है। Thou hadest a voice, तुम्हारे पास एक ऐसी आवाज थी whose sound like सी, जिसमें एक सागर के लहरों जैसी गर्जना थी। पावर, एक ऐसी ताकत, एज नेकेड हेवंस मैजेस्टिक एंड फ्री, एक शाहीना आवाज, शाही आवाज जो बिल्कुल आजाद, किसी भी तरह के प्रतिबंधों से बंधने वाली आवाज नहीं। इस तरह की आवाज एक बार फिर इंग्लैंड के निवासियों को तुम्हें प्रदान करना चाहिए। बताए तीसरी पोएम है कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। Composed upon Westminster Bridge. हाँ जी, दिस एंडर पेट्रार्कन सनेट कंपोज ऑन 31 जुलाई 1802। कंपोज ऑन 31 जुलाई 1802। 31 जुलाई 1802 में इसका प्रकाशन हुआ था। When Wordsworth along with Dorothy was going to France, to meet Anne Vallon, to seek permission from her to marry with Mary Hutchinson. Early at 5:30 when they were
when they were passing through Westminster Bridge, Wordsworth was deeply moved by calm morning and scenic beauty by calm morning and scenic beauty of England. इकतीस जुलाई 1802 में जब वर्ड्सवर्थ और डोरथी फ्रांस के लिए प्रस्थान कर रहे थे, मकसद केवल एन वॉलन से मिलना था, जो उसकी प्रेमिका थी। उद्देश्य यह था कि वो एन वॉलन से परमिशन प्राप्त कर लें, जिससे कि वर्ड्सवर्थ मेरी हचिनसन से विवाह कर सके। सुबह का वक्त है 5:30 का। जब वो वेस्टमिंस्टर ब्रिज से गुजर रहे थे तो वर्ड्सवर्थ लंदन के शांति में डूबी हुई सुबह और इंग्लैंड के प्राकृतिक सौंदर्य से बेहद प्रभावित हुआ और इस पर उसने इस सनेट की रचना की थी। नोट करें, फिर आगे देखें। द ब्यूटी ऑफ लंदन मॉर्निंग filled Wordsworth's heart with celestial pleasure. एक दिव्य आनंद से वर्ड्सवर्थ के हृदय को भर दिया। लंदन के सुबह की जो सुबह का जो सौंदर्य था, इंपॉर्टेंट लाइन्स नोट कर लें, मिटाएं से। The earth has not anything anything to show more fair The earth has not anything to show more fair. Doth dull would be he
Dull would be he who could pass by a sight so touching in its majesty. दूसरा है द सिटी नाउ डथ लाइक ए गारमेंट वेयर The beauty of morning silent and fair. The beauty of silent morning and fair. Never did the sun more beautifully steal in his first splendor, valley, rock and hill. In his first splendor, valley, rock and hill. नोट कर लें तो फिर आगे बढ़े. नेक्स्ट है इट इज ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री.
It is beauteous evening, calm and free. It is Petrarchan sonnet. Composed in 1802, and published in (1807). बैकग्राउंड इसकी थोड़ी सी जान लें। डोरोथी एंड वर्ड्सवर्थ went to France to meet Anne Waller, to seek permission from her to marry with Mary Hutchinson. Wordsworth's cousin. By that time, Caroline illegitimate daughter to Wordsworth and Waller. Had become 10 years old. Calais
Wordsworth, and Wallam and Caroline were prodding कैलेज के समुद्री तट पर वर्ड्सवर्थ एंड वाला और कैरोलिन टहल रहे हैं. द टाइम वॉज ऑफ इवनिंग इट वॉज इवनिंग टाइम द एटमॉस्फेयर वॉज फिल्ड विद The atmosphere was calm. And free from commotion. किसी भी प्रकार की हलचल वातावरण में नहीं थी. पूरी तरह से वातावरण खामोशी में डूबा हुआ था. इंस्पायर्ड बाय दिस स्याही कैसे आएगी The poet composed this sonnet. Kiska hai? Number 7. टाइम कितने हो गए? 7:15. पेपर भी अपलोड करने हैं. मिटा दे दिए. It is beauteous evening, calm and free. It is beauteous evening, calm and free. The holy time is as quiet as a nun. Breathless in her adoration.
no temple. Hello? 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 Listen. The mighty being is awakened. यहाँ पर बी कैपिटल बी यहाँ पर अस्तित्व है. अस्तित्व का मतलब है कि सागर के लहरें. द माइटी बींग इज अवेकन एंड डथ विद एटर्नल मोशन मेक. तीसरा है डियर चाइल्ड डियर गॉड. डियर चाइल्ड और डियर गर्ल ये कैरोलिन के लिए आया है. डियर चाइल्ड डियर गर्ल दैट वॉकेस्ट विद मी हियर. If thou appear untouched by solemn thought, untouched by solemn thought. But thy nature is not less divine. कल कुछ और इसके इम्पोर्टेंट पोएम्स की चर्चा होगी. बस चार पांच दिन में और जो है वर्ड्सवर्थ को समाप्त कर लेंगे हम लोग. और माफ कीजिएगा, मैंने आज उन्हीं लोगों को जोड़ा है जो लोग पेमेंट कर चुके हैं. बाकी और लोग मुझे केवल हाँ जी